बैलेंस सीसो। शिजुका तुम्हें कैसा लगा? वो अच्छा था ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल शिजुका, ये नहीं हो सकता। जियान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुनियो, क्या हो रहा है? इतना बड़ा पत्थर, ये क्या है? तुम इसे उठाओगे? लगता नहीं कि ये इसे उठा लेगा। मैं अभी इसे उठाकर दिखाता हूँ। हाँ तुमने कर दिखाया। अरे वाह कमाल है। कैसा लगा? तुमने वाकई कमाल कर दिया जियान। मैं तो सचमुच हैरान हूँ। लेकिन जियान एक बात बताओ, इसे उठाने से क्या फायदा? आखिर इतने बड़े पत्थर को उठाने से क्या होगा? तुम तो बेकार में मेहनत कर रही हो। तुमने? अरे नहीं नोबिता, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? जियान वो तो, क्या तुम कहना चाहते हो? मुझ में ताकत है पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं। जियान मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे दिमाग में भूसा भरा है? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं बुद्धू हूँ? बोलो नोबिता। रुक जाओ जियान, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? सुनियो वो देखो। टीचर, बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? जाओ। Yes, sir. सुनो, अपना बैग रख कर आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। नोबिता, आज तुम बच नहीं सकते। डोरेमोन मुझे बचाओ, मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जो मेरी मदद कर सके। डोरेमोन देखो, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी बेकार की बातों से जियान को भड़का दिया। नोबिता देखो, तुम्हें खुद ही जियान का डटकर मुकाबला करना चाहिए। नहीं डोरेमोन, तुम जियान की बात कर रहे हो, वो मुझसे बहुत बड़ा है, हमारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बात समझे तुम? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें जियान के बराबर बना देता हूँ। बैलेंस सीसो। लेकिन डोरेमोन ये है क्या? देखो ये कोई आम सीसो नहीं है, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ नोबिता। तो तुम चाहते हो मैं इस सीसो पर बैठूं? देखो जियान, मैं चाहता हूँ कि तुम और नोबिता बराबर के हो जाओ। लेकिन उससे क्या होगा डोरेमोन? जैसा कि तुम जानते ही होगे, बॉक्सिंग में वेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरी में सेम वेट वाले बॉक्सर्स का ही कंपटीशन होता है। तो इसका इस्तेमाल करके मेरा और नोबिता का वेट बराबर हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर नोबिता का वेट मेरे बराबर भी हो गया तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, समझे? खैर चलो इसे ट्राई करते हैं। ठीक है तो शुरू करते हैं। देखो जियान, तुम्हें सीसो की इस साइड पर बैठना है और नोबिता तुम्हें यहाँ पर। क्या इससे सच में कुछ होगा? अब चलो चिंता मत करो। चलो शुरू करते हैं, मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। अरे ये क्या? अब हम बराबर हैं। काम पूरा हो गया। लग रहा है जैसे एक्स्ट्रा ताकत आ गई हो। नोबिता असल में मैंने तुम्हारा वेट नहीं बराबर किया है, बल्कि तुम्हारी पावर्स बराबर की है। ये गैजेट दोनों साइड पर बैठे लोगों की पावर्स बराबर कर देता है। ये एक की ताकत या दिमाग लेकर उन्हें बैलेंस कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जियान की कुछ पावर उससे ले ली है नोबिता। तो इस तरह तुम जियान के बराबर हो गए हो और उससे मुकाबला कर सकते हो। ओके, ये तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो? अब तो तुम सीसो पर भी बैठ चुके नोबिता, क्या तुम अब तैयार हो? ठीक है मैं तैयार हूँ जियान। नोबिता बचो। तैयार हो जाओ। हे नोबिता, तुम आज काफी अच्छी तरह लड़े। तुम्हें ऐसा लगता है जियान? लेकिन हम ऐसे ही लड़ते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। दरअसल इन दोनों में एक जैसी ही पावर्स है। मॉम ने मुझे शॉप की देखभाल करने के लिए कहा था, ये कॉम्पिटिशन अब हम अगली बार करेंगे।
अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया नोबिता। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं शिजुका। चलो अब देखना तुम। हईशा, अरे ये क्या हो रहा है? अजीब बात है, ये उठ क्यों नहीं रहा? सीसा से मिली पावर्स इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी पावर्स पहले जैसे ही हो जाएंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? अब क्या इसका क्या मतलब है? नहीं कुछ भी तो नहीं शिजुका। अच्छा तो अब मुझे घर जाना चाहिए। हाँ तुम घर जा रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई, लेकिन अब मुझे अपना होमवर्क करना है। फिर मिलूंगी नोबिता। ओके, बाय बाय शिजुका। बाय बाय नोबिता, अब मैं इसे वापस रख लेता हूँ, ठीक है? हाँ मीचन। अरे मीचन तुम, कहो क्या बात है? अच्छा सच में? ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मैंने इसे ले लिया। तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? तुम्हें एक चीज दिखानी थी। क्या तुम्हें सीसो पर बैठना चाहोगी डिकी सुगी? सीसो पर इस पर बैठने से क्या फायदा होगा नोबिता, बताओ? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे दबाता हूँ। अरे नहीं, क्या मैं इतना हैवी हूँ? मुझे लगा तुम्हारे और मेरे वेट में ज्यादा फर्क नहीं होगा। हम वेट का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो इंटेलिजेंस का कर रहे हैं। हो ये हिल क्यों नहीं रहा? हो गया डीकी सुगी, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। डीकी सुगी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ, बाय। ये अचानक मुझे क्या हो गया पता नहीं। तुम्हें पता है ये कमाल है, मैं तो इसे बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। तुमने ये कब स्टडी किया नोबिता, बताओ ना? तुम मुझसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकती हो। अच्छा ये बात है, तुम तो जीनियस हो नोबिता। वो शिजुका, शिजुका ने मुझे जीनियस कहा। मैं इस ईसो को अब वापस नहीं करूँगा। हे नोबिता। अरे जियान। हे, मैं इस डिलीवरी को पहुँचा कर आता हूँ, फिर हम उस फाइट को पूरा करेंगे। हाँ फिर से? हाँ बिल्कुल, जो चीज शुरू की जाती है उसे पूरा भी किया जाना चाहिए। लेकिन तो ठीक है, उस खाली मैदान में मेरा इंतजार करना नोबिता। अब मैं क्या करूँ? अगर इसे मैं जियान की ताकत घटा भी दूँ तब भी कुछ नहीं होने वाला, फैसले पर तो पहुँच ही नहीं सकते। अब मैं क्या करूँ? हाँ सुनिए अंकल। क्या तुम चाहते हो मैं इस पर बैठ जाऊं? हाँ प्लीज बैठ जाइए। चलो तुम कह रहे हो तो मैं इस पर बैठ ही जाता हूँ। हाँ काम हो गया। अरे तुमने तो मुझे उठा दिया। हाँ? क्या आप लोग भी देख रहे हैं, मुझे अपनी बॉडी में ताकत महसूस हो रही है। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जियान मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। जियान मैं आ रहा हूँ। हाँ? अरे नोबिता। मॉम आप तुम अच्छे वक्त पर आ गए, क्या तुम ये सामान उठा लोगे? यूज करने के बाद तुम्हारी पावर्स पहले जैसी ही हो जाती हैं। मैं नहीं उठा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी परेशान हूँ नोबिता? मुझे माफ करना। नोबिता वापस आओ इधर। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता मॉम। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रही हो? ये देखो ये तो मुड़ गया है, जरा मुझे देखने दो, मैं कोशिश करता हूँ। I'm sorry, मैं इसे नहीं ठीक कर सकता। बाय। समझ में नहीं आ रहा ये नोबिता कहाँ चला गया, उसकी मेरा गैजेट ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे जियान को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा। कोई रोको इस गाड़ी को, रोको इस गाड़ी को। ड्राइव तो कोई नहीं कर रहा। लगता है ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। मेरा बेटा है उस गाड़ी में। क्या करूं, कार को तो रोकना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी ताकत यहाँ इस्तेमाल कर ली तो मैं जियान को हरा नहीं पाऊंगा। कोई बचाओ मेरे बेटे को। सोचने का टाइम नहीं है। रुक गई। मेरा बेटा,
मेरे बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो ताकत अच्छी चीज में काम आई। ये तो नोबिता ने बहुत अच्छा काम किया, तुमने कमाल कर दिया सच में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नोबिता रुक जाओ, कहाँ भागते हो, आज तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी, रुक जाओ। जब तक मुझे कोई प्रोफेशनल रेसलर ना मिल जाए तब तक रुको जियान, उसके बाद मुझसे फाइट करना, डोरेमोन मुझे बचाओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भागते हो। नोबिता चाहे कुछ भी कर ले, जियान उसे छोड़ेगा नहीं। अब तो ये सीसो की पावर्स भी यूज नहीं कर सकता, उन्हें तो ये पहले ही यूज कर चुका। ये ठीक नहीं है। करेज हैट। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? जी सर। गुड बाय बच्चों। आज तो सॉकर प्रैक्टिस है। देखो जो भी आज का सफाई का इंचार्ज है वो अच्छी तरह से काम करना। नोबिता। एक मिनट रुको, जरा बात करनी है। नोबिता मेरे प्यारे दोस्त। क्या चाहते हो तुम दोनों? आज तुम्हें हमारा दोस्त होने के नाते हमारे लिए एक काम करना होगा। क्या काम? मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं कि आज सॉकर प्रैक्टिस है। हाँ चलो चलते हैं, सुनियो। क्या तुम भूल गए नोबिता कि तुम सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट हो? मैं और जियान तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूट हैं। तो फिर तुम बताओ किसे खेलने के लिए जाना चाहिए? प्राइमरी सब्स्टिट्यूट। तुमने ठीक कहा नोबिता, तो नोबिता आज सफाई तुम करोगे। कर लूंगा, ये हुई ना बात। तो चलो सुनियो। हाँ चलो। कुछ होने वाला है। डोरेमोन। अगर उनकी वजह से तुम्हें घर आना पड़ा तो तुमने मना क्यों नहीं किया? देखो नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जैसा वो कहते हैं तुम बिल्कुल वैसा ही करते हो। अगर तुम्हें कोई काम पसंद नहीं है तो तुम्हें मना कर देना चाहिए। पर मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम मुझे कुछ देने वाले हो डोरेमोन? द करेज है। ये तो बहुत पुराना हैट है डोरेमोन। क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता नोबिता। देखो जब तुम ये करेज हैट पहनोगे तब जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो आसानी से कह सकोगे। अब तुम उनसे डरोगे नहीं, बल्कि जो भी उनसे कहना होगा वो साफ साफ कह दोगे और फिर वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। नोबिता घर के लिए कुछ सामान ला दो प्लीज। डोरेमोन मुझे पहनाओ। पहले तुम्हें कहना है करेज और फिर ये रस्सी खींचनी है, फिर घंटी बजाकर जो कहना है वो कह दो। तुम्हें सुपरमार्केट जाना है। करेज। मेरी आज एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान सकता मॉम, सॉरी। अच्छा तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। डोरेमोन ये तो कमाल का गैजेट है, मैं ये कभी नहीं कह पाता। थैंक यू सो मच। अब जियान और सुनियो को जो कहना चाहते हो कह दो। मैं आज ही उनसे जाकर कहता हूँ डोरेमोन। चिल्लाओ मत, चुप हो जाओ, मैं बदल गया हूँ। करेज। इस तरह मुझे घूरना बंद करो और एक अच्छे डॉगी की तरह बिहेव करो। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझे? और ये करेज। मिस्टर इस तरह सड़क को गंदा नहीं करना चाहिए, इसे उठाओ और सड़क को साफ रखो। बकवास मत करो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे रास्ते से हट जाओ। करेज। तुम्हें पता है पार्क में स्केटबोर्ड चलाना मना है, अगर तुम किसी बच्चे से टकरा जाते तो क्या होता? समझ गए हो तो यहाँ से जा सकती हो। थैंक यू वेरी मच।
ये सब्स्टिट्यूट होना कितना बेकार है। हाँ ठीक कहा तुमने। टन 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 टन। अरे जियान और सुनियो तुम दोनों। हमारे प्यारे दोस्त नोबिता। अरे वाह तुम आ गए। तुम बिल्कुल सही मौके पर आए हो। हमारी बॉल मिस्टर कामिनारी के घर में चली गई है। हमारी मदद कर दो। दूर हटो करेज। क्या कहा तुमने? आज से तुम जो भी कहोगे वो मैं नहीं करूँगा। अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व किया करो, समझ गए मोटे जियान और सुनियो? नोबिता को क्या हुआ? ये तो ऐसा नहीं था। अब मेरी समझ में आ रहा है, ये जरूर इस हैट की वजह से हुआ है। चलो उससे वो ले ले। रुक जाओ। ये बॉल तुम दोनों ने मेरे घर में फेंकी है ना, बोलो मोटू जियान और सुनियो। वो दरअसल हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमसे गलती हो गई। तुमने तो आज तक सच बोलना ही नहीं सीखा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अरे नहीं, ये तो करेज हैट का एक मेन पार्ट है, इसके बिना वो एक मामूली हैट है। अब नोबिता क्या करेगा? ये सब नोबिता की वजह से हुआ। अगर वो हमारी बॉल ले आता तो मिस्टर कामिनारी हमें डांटते नहीं। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो इस वक्त होगा कहाँ पर? हाँ शिजुका के घर। शिजुका क्या हुआ तुम्हें? देखो ना नोबिता, हवा से ये यहाँ उड़कर आ गया। हाँ अरे इसको मैं उतार देता हूँ, इस हैट की वजह से मेरी हिम्मत 100 गुना हो गई है। शिजुका रुको जरा, करेज। गिर मत जाना नोबिता। मैं नहीं गिरूंगा शिजुका। मुझ में हिम्मत है शिजुका। जियान मुझे लगता है ये सब उस हैट की वजह से हुआ है। चलो सुनियो, रास्ते में उससे वो हैट ले लेंगे। चलो भी, क्या तुम्हें समझ नहीं आए? जो तुम कहोगे वो मैं नहीं करूँगा। क्या तुम खड़े खड़े जम गए हो? हटो जल्दी मेरे रास्ते से। क्या कहा? चलो अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार तुम ये नहीं कर पाओगे। रुक जाओ सुनियो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हैट नहीं काम करेगी, प्लीज सुनियो। अच्छा तो ये बात है। देखो नोबिता, हम ये हैट ले जा रहे हैं। ये डोरेमोन। आ रहा हूँ नोबिता। डोरेमोन एक प्रॉब्लम हो गई, वो हैट। तुमने उस हैट का मेन पार्ट तो गिरा ही दिया था नोबिता। डोरेमोन, अगर जियान और सुनियो ने हमें वो हैट वापस नहीं दिया तो? हाँ क्या कहा था तुमने? मेन पार्ट। हाँ तुम वो हैट इस मेन पार्ट के बिना ही ले गए थे। तुम्हारा मतलब है कि वो हैट? हाँ वो बस एक मामूली हैट था, कोई गैजेट नहीं था, इसलिए उसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह ये तो अच्छी बात है। तुम्हारा मतलब मैं सारा टाइम एक नॉर्मल हैट पहने हुए था डोरेमोन? हाँ नोबिता ये बात सच है। सुनियो मेरी बात सुनिए, मैं बार बार आपकी ये बातें सुनकर थक गया हूँ। अब मैं आपकी ये बातें और नहीं सुन सकता, आप समझ गई मॉम? अरे हाँ सुनियो मैं समझ गई। अरे वाह मजा आ गया, मैं जो कभी ना कह सका वो मैंने आज कह दिया, कमाल का गैजेट है। तो ठीक है अब तो मैं भी। बाय जियान, अपना ध्यान रखना। तुम कहाँ घूम रहे थे जियान? तुम्हें शॉप की जिम्मेदारी संभालनी। दरअसल मॉम मैं थोड़ा बदल गया हूँ। करेज देखिए मैं आज शॉप पर नहीं बैठूंगा, जो भी आप कहती हैं मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं आज खेलने जाऊंगा, समझी आप? तुम खेलना चाहते हो, जिम्मेदारी नहीं संभालोगे? अच्छा तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे हुई जी? ये लो और लो। उसने वो हैट अपनी मॉम पर ट्राई किया है, इसे लगा ये एक गैजेट है, पर देखा इसका नतीजा क्या हुआ। मेरा काम तो किसी तरह बन गया, अगर नहीं बनता तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।